नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोहियां। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए, अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा बोले, दिल्ली पुलिस के परिवार का एक सदस्य खेतों में एक बॉर्डर पर होता है और आपने उस जवान को किसान से आपस में लड़वा दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के घर रामपुर पहुंची। स्विच दिल्ली अभियान शुरू, मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रति जागरूक किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकार छीन कर एलजी को दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, केजरीवाल सरकार अपना रही तानाशाह रवैया। किसान आंदोलन पर भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। आप सांसद संजय सिंह बोले, DTC बसों का इस्तेमाल बैरिकेडिंग बनाने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही सरकार। मोहसिन रजा ने कहा, 60 सालों तक कांग्रेस ने किसानों को कर्जदार बनाया, प्रियंका गांधी बोली, बिल वापसी तक होगा आंदोलन। IPS अरविंद सेन को एक दिन के रिमांड पर हजरतगंज कोतवाली लाई पुलिस, आवाज का नमूना लिया जाएगा। पीलीभीत में किसान आंदोलन में एक युवक की डेड बॉडी मिली, अंतिम यात्रा में शव पर तिरंगा रखने वाले माँ और भाई पर केस। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तिरौली गांव के पास 13वीं में शामिल होकर लौट रहे सपा नेता को बदमाशों ने मारी गोली। अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।